तो ये अपने भरतपुर का विश्व प्रिय शास्त्री पार्क, और हवा बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे घना पच्ची बिहार है ना। मानसिंह चौराहे पे खड़े हैं हम लोग। अच्छा, मानसिंह चौराहे पे। हाँ, तो मंदिर आईटीआई कॉलेज। हाँ हाँ, कौन सा कला मंदिर? मेरे भाई चाय बना दो, सब चाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कपिल सावसार, भरतपुर राइडर। करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत महादेव के साथ, और टाइम हो गया 5:30। और आज ये फ़ोन की घंटी ने मुझे उठाया है। पहले रोज डेली बच्चे उठाते थे स्कूल जाने के लिए, और मैं करीब 7 बजे जगता हूं। फ़ोन के साथ दिनचर्या ख़राब चल रही है मेरी आजकल। और दोस्त ग्वालियर से आया कल रात में, उसने फ़ोन किया था। जो गणेश जी महाराज, उसने कॉल की थी कि मैं गोवर्धन परिक्रमा देने जा रहा हूँ भरतपुर होके। अब मैंने बोला तो उसको भरतपुर होके जा रहा है, तो भाई मिलता हुआ जा, मैं आ रहा हूँ। करीब 10 बज रहे थे, 9:30, और मैं जाने तैयार हो गया था। उसने मना कर दिया कि हम तो निकल गए भरतपुर क्रॉस करके, फिर मैं भी जा रहा था परिक्रमा देने के लिए। मैं अगला 7 में परिक्रमा हो जाएगी। फिर मम्मी ने मना कर दिया कि रात में बारिश हुई है, ऐसे में जाना उचित नहीं है। तो मम्मी की बात मान के मैं रह गया। अब उसका फ़ोन आ गया कि हम यहाँ पर भरतपुर में अंदर घुस रहे हैं, जल्दी आ जा। उठ गया मैं, अब मैं जा रहा हूँ। मैंने उससे बोला सारस चौराही साइड से तुम निकलोगे, उतर ही आ जाओ तेरी की। तो आपको मुलाकात करवाते हैं अपने ग्वालियर वाले दोस्त से, उमेश सिंह चौहान। तो ये अपने भरतपुर का विश्व प्रिय शास्त्री पार्क, और हवा बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे घना पच्ची बिहार है ना, और बहुत सारे पेड़ हैं, हरियाली रहती है। थोड़ी देर बाद हवा खराब हो जाती है, वाहन चलने लग जाते हैं। तो हेलो, हाँ कहाँ पे? मानसिंह चौराहे पे खड़े हम लोग। अच्छा, मानसिंह चौराहे पे। हाँ, तो मंदिर आईटीआई कॉलेज। हाँ हाँ, कौन सा कला मंदिर? हाँ तो इधर क्यों सास की साइड में आओगे ना तुम? इधर की साइड में इधर से तो जाओगे आगरा रोड पे। अरे आगरा नहीं जाना, अमेठी वाली रोड पे जाना है, कला मंदिर वाली रोड पे सीधे। कहाँ अश्नेर होके जाओगे तुम? अरे ये रास्ता सही है, इधर से फतेहपुर सीकरी, तुम फतेहपुर सीकरी पहुँचोगे। अच्छा, फतेहपुर सीकरी से निकल जाएंगे, वो सही है रास्ता। तो ये फतेहपुर सीकरी तो जाओगे तुम? अरे भाई अकरावली फतेहपुर सीकरी से हाईवे आएगा ग्वालियर वाला, उस पर चल। मैं यहीं पे खड़ा हूँ, MP07। ये आ गया अपना फ्रेंड। हाँ भाई खोल ले। मेरे भाई और सुना कपिल भाई, बढ़िया आया, मिल लो यार सब लोग। और भाई सर, अब नींद खराब करिए बाकी है। ये मेरे को ले ही नहीं गया, मेरे को फोन आएगा ना यार। अरे ये मेरे को ले ही नहीं गया। और भैया कैसी रही परिक्रमा? बहुत शानदार रही, बढ़िया। मैं यहाँ से कह रहा, मैंने मैं आ रहा हूँ तो चालू है कैसे? हाँ कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया भैया। यहीं से तो जाओगे तुम आगरा वाले रास्ते पे? तो भाई को पता है, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे। और भाई साहब तो मेरे साथ है सोनू भाई ग्वालियर से, और ये हमारा बेस्ट फ्रेंड रहा, और एक ये हेमंत, ये हम दोनों साथ में नोएडा रहे थे। पर ये ऐसा है, कमीना दोस्त है मेरा, सही बताऊँ गोवर्धन परिक्रमा आता है हर महीने आता है, और एक भी बार मेरे को पूछता नहीं है। आपकी बार भी आया, पर मैंने तैयार था जाने के लिए, पर 9:30 बज गए थे, मम्मी ने मना कर दिया। और भैया के साथ ये कौन है भैया? पवन सिकरवार। अच्छा, ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, ये भी कमीना है। बात तो सही है। तो भाई थोड़ा सा कम ऐसे, तो थोड़ा सा कम, सभी कम है ऐसे तो भाई। यूनिवर्सिटी कहाँ? अच्छा ग्वालियर से ही। ग्वालियर से विक्रांत यूनिवर्सिटी से है। अच्छा, क्या करते हैं उसमें? उसमें मैनेजमेंट। अच्छा, और भैया आप? हरिओम शर्मा, श्रीराम कॉलेज ग्वालियर से। अच्छा, और भैया? उपेंद्र सिंह चौहान, सूर्या कंप्यूटर। और दो और पढ़े हैं आपसे?
अच्छा सो गए, एक की तबीयत खराब। कितने लोग आए फिर? दो चार, दो तीन, छः, सात, आठ लोग हैं ना? आठ लोग हैं। अब ये निकला होगा ग्वालियर के लिए आज? अच्छा, बरसाना चलते हैं फिर? नहीं यार, बरसाना बाद में देखेंगे, अभी क्या है कि सबको निकलना, भी ड्यूटी पे पहुंचना है। अच्छा, आज संडे को ड्यूटी थोड़ी होगी? वो करते रहते हैं वर्क टू होम। ठीक, राधे राधे। तो ये थे हमारे सब मित्र, बहुत पुराने, मुलाकात बहुत दिन बाद हुई है। इसकी शादी में गया था मैं, तेरी साथ में, छोटे की भाई की, छोटे भाई की शादी में गया था। इसकी दी, इसकी इसी शादी थी। अहमद ने भी शादी कर ली है, बुलाया नहीं। तो ये रहे, अगली बार नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जरूर बुलाना मेरे को। गोवर्धन परिक्रमा साथ साथ में चलेंगे, साथ में चलेंगे, साथ में गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे, बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। सिगरेट वगैरह छोड़ दी ना पीना? यार साथ में सिगरेट रेगुलर चल रही है। अच्छा, तू आ था भी महंगा अकेले टाइम निकल। कौन सी जगह पे तू? मैं गांव ग्वालियर, जैसे तू ड्राइव रूम पहुंचेगा। ग्वालियर पहुंच गए? ग्वालियर से 50 किलोमीटर आगे। अच्छा, भिंड से, भिंड की साइड। अच्छा, ये रेस्टोरेंट है सारे चाय सुट्टा बार उधर की साइड, बहुत सारे। शाम को सुट्टा तो ग्वालियर में भी है। नहीं, शाम को MBA चाय वाला, जेल चाय बार, ये सब शाम को ही ओपन होते हैं। चाय मिलता है तो चाय हो जाए आज। हाँ, चाय चाय भी हो जाए, यही तो चाय का जुगाड़ देखते हैं। बता रहा था वो कौन सी जगह बता रहा था? बता रहा था, यहीं बता रहा था, आगे देखते हैं, आगे मिल जाए तो। यहाँ पे यार, यहाँ पे तो है नहीं है, यहाँ पे खुलता है, यहाँ पे नहीं खुलता। ये बना तो रहा है, कचौड़ी बना रहा है शायद, पर टाइम लगेगा इसको ना। मिलेगा यार चाय तो कहीं और मिलेगी चाय। तुमने चाय नहीं पी सुबह से? चाय नहीं पी? चाय पी लेते हैं चल, कुछ खाने को मिलेगा ही नहीं है यहाँ पे। सोच रहे चाय बना दो सब चाय। ओ तो ये थे अपने मित्र, थोड़ी देर चाय पी और फिर अभी निकल लिए हैं। हम भी यहाँ से निकलते हैं फिर। तो आज का दिन हमारा ऐसा रहा, हमारे पुराने मित्र से मुलाकात हो गई और बहुत अच्छा लगा। उमेश सिंह चौहान जो कि आजकल MP पुलिस में है, उसके छोटे भाई भी पुलिस में लग गए हैं, तो बहुत अच्छी फैमिली है। मैं 2-3 बार गया हूं और बहुत अच्छा मेरा ध्यान रखा था मेरे दोस्तों ने, और हेमंत भी मेरे साथ जॉब करता था जब हम नोएडा में रहते थे। तो बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे पुराने, क्योंकि आज 15 साल हो गए हमारी दोस्ती को, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये हर महीने आते हैं यहाँ पे गोवर्धन परिक्रमा देने, तो कभी कभी निकल जाते हैं, कभी फ़ोन करते हैं। आज मैंने मिलने के लिए पहुँच गया था, और आपने भी शायद ब्लॉग में देखा होगा कि बहुत अच्छे हमारे ये मित्र थे। तो ब्लॉग को करते हैं यही समाप्त, क्योंकि हम आज शाम को कहीं गए ही नहीं और कल शायद हम जा सकते हैं। अब ये पता लगेगा अगले ब्लॉग में कहाँ जा रहे हैं हम। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब।